नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। डीबीटी कोच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बताएंगे आपको प्लेटलेट काउंट फार्मूला बाय ब्लड स्मियर। अभी हमारे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा LFT फार्मूला बताया था हमने, CVC फार्मूला बताया था, है ना, उसी तरह लिपिड प्रोफाइल फार्मूला बताया था। आज हम लोग बताएंगे प्लेटलेट काउंट फार्मूला कि जैसे आपने देखा होगा ब्लड स्मियर से डॉक्टर लोग कैसे प्लेटलेट काउंट दे देते हैं, है ना, क्योंकि प्लेटलेट काउंट फार्मूला जो होता है मेनली नीवर चैम्बर्स किया जाता है या CVC मशीन से किया जाता है और दोस्तों ब्लड स्मियर से किया जाता है। आपने इस तरह देखा होगा कि ये हमारा ब्लड स्मियर होता है, डॉक्टर लोग इसको देख के भी दे देते हैं कि कितना है प्लेटलेट। इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कैसे इसमें देते हैं प्लेटलेट काउंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए कि जितने लैब टेक्नीशियन भाई हमारे हैं, जो लोग अपने लैबोरेटरी चला रहे हैं, जो लोग को माइक्रोस्कोपिक में दिक्कत आती है प्लेटलेट काउंट देने में, तो CVC मशीन रखने के बाद भी उनको एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं जा रही है। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपने CVC रिपोर्ट में देखा होगा CVC रिपोर्ट, तो उसमें आपने प्लेटलेट काउंट जो आता है PLT, अगर मान लीजिए आ गया 0.43, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट काउंट 43,000 है, 43,000 है प्लेटलेट, ठीक है, लेकिन लोग इसको नहीं देखते PLCR। PLCR का मतलब समझते हैं, प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो जो होता है। तो मान लीजिए प्लेटलेट आपका इतना दिया है और PLCR आपका दिया है 60%, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका प्लेटलेट दिया 43,000 और मशीन कह रही है PLCR जो है 60% है, इसका मतलब हुआ कि मशीन जो होती है कि टोटल शरीर में जितना प्लेटलेट है, जितना उस ब्लड सैंपल में प्लेटलेट था उसका इतना तो काउंट कर ली, बाकी 60% प्लेटलेट काउंट नहीं कर पाई है। तो आपको क्या करना होगा, इसका 60% और जोड़ना होगा, मीन टू से इसको आप जस्ट डबल कर दीजिए, मतलब नियर अबाउट 86,000 प्लेटलेट रहा होगा। ठीक है, अगर PLCR 10% होता तो मशीन कह रही है कि टोटल प्लेटलेट का हम सिर्फ 10% ही काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब 43,000 आपका काउंट सही है। अगर PLCR 20% है तो मशीन कह रही है कि हम टोटल प्लेटलेट का 20% काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, 20% ऐड करना होगा, 43,000 इसमें आप 20,000 ऐड कर लें, मतलब 63,000 कर दीजिए, समझ आ रही बात। इसी तरह जब 60% हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब टोटल प्लेटलेट जो था, मतलब ये 40% बचा, तभी 60% नहीं दे पा रहा, तो 60% इसमें जोड़ देंगे तो हमारा प्लेटलेट काउंट एक्यूरेट आ जाएगा। और जो ब्लड स्मियर से माइक्रोस्कोपिक से करते हैं वो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, CVC मशीन भी ना हो मान लो इसको छोड़ देते हैं, हम लोग ब्लड स्मियर से कैसे करते हैं इसके विषय में बताते हैं। तो ब्लड स्मियर से करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्लेटलेट, वन प्लेटलेट इक्वल टू 20,000, ठीक है, एक प्लेटलेट 20,000 के बराबर होता है। तो डॉक्टर लोग कैसे देते हैं या कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक में स्लाइड देख के कैसे दे देता है, वो क्या करता है, फील्ड देखते हैं, जैसे कहते हैं ना एक फील्ड में इतने प्लेटलेट, तो एक एवरेज लेते हैं, एक फील्ड में कितने प्लेटलेट देख रहे हैं, फील्ड किसको बोलते हैं, मान लीजिए आपने माइक्रोस्कोप को लगाया, उसमें आप फील्ड में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फील्ड देखें, तो इस फील्ड में कैसे दिखता है, देखिए आप फील्ड, एक फील्ड कैसे दिखती है, मान लीजिए देखिए इसमें ढेर सारी RBC है, ठीक है, ऐसे ऐसे RBC दिखती है, इसमें बीच में WBCs भी कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ WBCs भी होते हैं और बीच बीच में प्लेटलेट होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह से प्लेटलेट भी आपको छितरे हुए दिखते हैं, है ना। तो आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए WBCs है और ये जो है डॉट जो होते हैं ये प्लेटलेट होते हैं, तो एक प्लेटलेट हमने कहा 20,000 के बराबर है। अगर इस फील्ड को कोई दे दे और आपसे पूछे कितने प्लेटलेट होंगे तो कैसे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 प्लेटलेट हैं, 20,000 से गुणा कर दिया तो कितना गया, 20 9 या 1
अस्सी मतलब एक अस्सी मतलब 1,80,000 प्लेटलेट हो गया। तो आपको क्या करना होगा, टोटल 5 फील्ड देखना होगा। जैसे एक फील्ड में देखा तो इसमें आ गया 10, वन फील्ड में देखा तो 10 दिखा, दूसरे में देखा जिसमें दूसरे फील्ड में 6 ही दिखा, तीसरे में देखा तीसरे में 11 दिख गया, चौथे में देखा तो चौथे में 5 दिखा, पांचवे में देखा तो 8 दिख गया। मान लीजिए हमने पांचों को जोड़ लिया तो कितना आ गया, 6, 7, 5, 12, 8, 20, 2, 2, 4। तो टोटल 5 फील्ड में हमने देखा तो आ गया हमारा 40 प्लेटलेट। तो एक फील्ड में कितना आएगा, 5 भागे 40 कितना, 5 8 40, 8 आ गया। मतलब आपको पता चल जाएगा औसत एक फील्ड में 8 प्लेटलेट दिख रहे हैं, और 8 प्लेटलेट को अगर हम 20,000 से गुणा कर देंगे, 8 × 20,000, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1,60,000। तो ये प्लेटलेट हो गया 1,60,000। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह करते हैं। अगर ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।